अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बहुत लोगों के यूट्यूब में और दूसरी चीज़ों से देख के क्यूरी आती है कि पार्टियों के बारे में लोग बहुत नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं। इवन पार्टियों के अलावा भी हर चीज़ के बारे में देखा जाए, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसका भी बहुत ज़्यादा पहले नेगेटिविटी आती है और बाद में जाकर उसको प्रमोट किया जाता है कि हाँ वो एक अच्छा स्टेप था। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यार हमारे यहाँ ना जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है ना तो लोग उसको देखना बहुत पसंद करते हैं, पहली बात ये है। अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, पार्क्यू में फ्रॉड हो गया, उसका हमने सिर्फ थंबनेल पार्क्यू में फ्रॉड हो गया रखा था और उसके ऊपर बेशुमार हमारे व्यूज आए। तो बेसिकली होता यही है कि लोग ना हमारे यहाँ ये पाकिस्तानी और ख़ासतौर पर आप कह लो पंजाबी मैंटेलिटी है, लोग कहते हैं कि जी अल्लाह मियाँ सानू देना दे, अगले का खोला है, ठीक है। तो लोग जब देखते हैं पार्कव्यू में फ्रॉड हो गया तो उनके किसी चाचे ने, मामे ने, ताए ने, फूफे ने प्लॉट लिया होता है ना पार्कव्यू में, तो वो सिर्फ इसलिए उसको फौरन क्लिक करके देखते हैं, चलो यार देखे फूफो जी का बेड़ा गर्क हुआ है कि नहीं हुआ, इनका प्लॉट जीरो हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरह की जो नेगेटिविटी है ना हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अनफॉर्चुनेट है लेकिन चल रही है, और लोग जो है हमेशा नेगेटिव चीज को प्रमोट करते हैं, लोग नेगेटिव चीज के ऊपर ही क्लिक करते हैं। तो इसीलिए लोग और जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो चैनल्स वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जनाब नेगेटिव चीज चलेगी, इसलिए वो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं। अभी अगर मैं कहूँ कि पार्कव्यू बहुत अच्छी सोसाइटी है, ये है वो है, तो वो कहेंगे कि पता नहीं मैं पार्कव्यू के पे रोल के ऊपर हूँ और मैं अलीम खान साहब का कोई नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं कहूँ अलीम खान साहब ने फ्रॉड कर दिया, अलीम खान साहब ने ये दो नंबरी कर दी, तो वो वाली वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगी। तो जनाब ये सीधा